नमस्कार दोस्तों, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। आज बात करेंगे सितारों की चाल पर, हमारे जीवन की गतिविधि पर निर्धारित होती है और इसे हम राशिफल के माध्यम से बताते हैं। और आज आपको बताएंगे कि कैसा होगा आपका आज का राशिफल, किस राशि को आज के दिन खास सावधानी बरतनी होगी और किस राशि के लिए दिन बेहद खास होने वाला है। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले, आज का दिन आप ऊर्जावान रहेंगे। आपके मन में कई योजनाएं और विचार परेशान करेंगे, उनकी तरफ आपका मन जाएगा। खेल कूद, पढ़ाई और काम में परफेक्शन रहेगा। अगर कहीं धन लगाने की सोच रहे हैं तो पहले विचार कर लें, फिर आप धन लगाए। अगर आपके प्रेम जीवन की बात करें तो उसमें तू मैं लगी रहेगी। वैवाहिक जीवन में परेशान रहेंगे और आज अकेलापन महसूस करेंगे। किसी दोस्त के साथ समय बिता लेंगे तो मन हल्का रहेगा। आज आपकी या आपके माता पिता की तबीयत खराब होगी। आपके शुभ रंग और मंत्र जान लेते हैं। आज आपका शुभ रंग हरा है और साथ ही मंत्र, किसी मंदिर की सफाई में वक्त दे तो मानसिक शांति मिलेगी। और अब बात करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि वालों के लिए आज आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा। आर्थिक समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज आपकी बहन के लिए रिश्ता आ सकता है। जीवन साथी के साथ खुशी के पल बिताए। अगर आप प्यार में हैं तो धोखा मिल सकता है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा होगी और साथ ही फायदेमंद रहेगी। साथ ही बता दें कि बच्चों के साथ मस्ती मनोरंजन कर सकते हैं। किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं तो सफलता हाथ लगेगी। ऑफिस में लोग आपके बैग बिचिंग करेंगे, सतर्क रहे। वैवाहिक जीवन की बात शेयर करने से बचे। सेहतमंद रहेंगे, बस खाने पीने पर ध्यान दें। अब बात करेंगे शुभ रंग और मंत्र की। आज का शुभ रंग पीला है और आज 108 ध्रुवा गणेश जी के मंदिर में चढ़ाए। अब बात मिथुन राशि की करते हैं। मिथुन राशि वाले, आज का दिन आपके लिए खुशियों लेकर आ रहा है, या कहे थोड़ी बहुत परेशानी के बाद आज खुशियां आपके घर पर दस्तक देगी। साथ ही आपके खर्च बढ़ेंगे। साथ ही आज आपको किसी नामी गरिमा समूह में जुड़ने का अवसर मिलेगा। आसपास में लोग आपको देखकर जलेंगे, इससे आपका मूड खराब होगा, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखें वरना परेशानी हो सकती है। अगर आपके लव लाइफ में देखें तो उसमें आज लोचा दिख सकता है। साथ ही सावधान रहे, परिवार के लिए वैवाहिक जीवन में जिम्मेदारी उठाएंगे। आज सेहत अच्छी रहेगी लेकिन वाहन से बचें। चलिए शुभ रंग और मंत्र आपको बता देती हूँ, जो जानना आपके लिए काफी जरूरी है। आज का शुभ रंग गुलाबी है और मंत्र, खुद जिए और जीने दे का फंडा अप्लाई करें, इससे आपको फायदा होगा। और बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले, आज आप काम और ऑफिस बिजनेस की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे। खर्च बढ़ेगा लेकिन समझदारी से निपटा लेंगे। घर के काम को टालने से काम का बोझ बढ़ता जाएगा। आप किसी को चाहते हैं तो अभी हाँ के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, बच्चों का ख्याल रखें। नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलेगी, धन की समस्या खत्म होगी। आज आप दूसरों की मदद के लिए आगे आएंगे, खेल कूद और घूमने में समय देंगे। घर में किसी सदस्य की मौत की खबर मिल सकती है, आप सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग और मंत्र जान लेते हैं। आज का शुभ रंग हरा है और मंत्र, किसी की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। कर के बाद अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वाले, आज का दिन आप सेहतमंद रहेंगे लेकिन काम की जिम्मेदारी के तले आराम का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा आराम जरूर करें। आप करियर को लेकर बेपरवाह रहेंगे लेकिन खेल कूद मस्ती मनोरंजन के साथ काम पर भी ध्यान दें, वरना पछताना पड़ सकता है। निवेश ना करें तो अच्छा रहेगा। आज परिवार और वैवाहिक जीवन में तालमेल बैठा लेंगे। किसी से प्रेम करते हैं तो बस प्रपोज कर डालें, दिन आपका है और साथी भी आपका हो जाएगा। आज गाड़ी संभाल कर चलाएं, किसी महिला मित्र या अपरिचित महिला की मदद करेंगे। आज बच्चों को मोटिवेट करेंगे। शुभ रंग और मंत्र जान लेते हैं आज का। आपका शुभ रंग पीला है और मंत्र, आज आदित्य स्रोत का पाठ करें, लाभ मिलेगा। और अब कन्या राशि की बात करते हैं।
कन्या राशि वालों के लिए आज आपके चरित्र पर लोग सवाल उठाएंगे। आपके अनैतिक चरित्र संबंधों पर चर्चा होगी। आपके शादी के बाद भी संबंध बनाने की संभावना है। आज परिवार और बच्चों के साथ सुकून के पल बिताएंगे। किसी सामाजिक या मांगलिक काम का हिस्सा बनकर खुशी की अनुभूति लेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की चर्चा होगी। आज आपके काम और व्यवसाय प्रभावित रहेगा। सेहत का ख्याल रखें, सर्दी अपना असर दिखा सकती है। बात करेंगे शुभ रंग और मंत्र की। आपका शुभ रंग लाल है और मंत्र किसी मंदिर में जाकर असहायों की मदद और भोजन दे, इससे आपको फायदा होगा। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले, आप आशीर्वादी बनेंगे, अपने काम से दूसरों को मोटिवेट करेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा। बल्कि डर, ईश्वर और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। आपसे लोग जलेंगे, जीवन साथी के साथ वक्त गुजारेंगे, घर में मेहमान का आना जाना लगा रहेगा। युवा दिलों में नए साल का खुमार चढ़ेगा और शराब और शबाब से दूर रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत का ध्यान रखें, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। अब चलिए शुभ रंग और मंत्र बता देते हैं आपको। आपका शुभ रंग नीला है और मंत्र, आज घर में केले का पौधा लगाए तो अच्छा रहेगा। और अब तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वाले, आज आपके काम से काम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे, उन्हें अच्छी बातें सिखाएंगे। बिजनेस और नौकरी में अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके काम का मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेगा, इससे परेशान रहेंगे। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। शादीशुदा जिंदगी में हलचल रहेगी, दोस्तों के साथ वक्त बिताएंगे, नए लोगों से मुलाकात लाभ देगी, यात्रा से लाभ मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें और सर्दी में गर्म कपड़े पहनें। आपका शुभ रंग लाल है और आज विष्णु सूतक का पाठ करें तो अच्छा रहेगा। अब धनु राशि की बात करते हैं और जानते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा होगा आज का दिन। धनु राशि वाले, आज का दिन आपके लिए प्रेम के लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में गहराई आएगी, दोस्तों के साथ पार्टी और साथी बेहतरीन वक्त बिताएंगे तो अच्छा रहेगा। निवेश से लाभ मिलेगा, व्यवसाय में बेतहाशा लाभ मिलेगा, नौकरी में नए दोस्तों से लाभ मिलेगा और आज किसी की पीठ पीछे चुगली करने से बचे, काम पर असर पड़ेगा। आज घर की साफ सफाई और सजावट पर ध्यान दें, आपका स्वभाव विनम्रता से रखें। अब बात करेंगे शुभ रंग और मंत्र की, जो जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज का शुभ रंग केसरिया और आज आप मां लक्ष्मी की पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। अब धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले, आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा, निवेश से लाभ मिलेगा, व्यवसाय में आपकी योजना फलीभूत होगी, पार्टनरशिप में व्यवसाय करने से बचे, नौकरी में आपका प्रमोशन से लाभ मिलेगा और नई नौकरी के ऑफर मिलेंगे। आज सपनों को पल लगेंगे, इश्क और रोमांस में लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन में बेवजह का विवाद हो सकता है, पुश्तैनी संपत्ति का लाभ मिल सकता है, कुछ नए लोग आपके जीवन में आएंगे। आज तनाव का माहौल कम होगा और आप अपनी गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरते, सेहत का ध्यान रखें। और अब बात करेंगे शुभ रंग और मंत्र के बारे में। आपका शुभ रंग नीला है और मंत्र, आज श्री सूतक का पाठ करें, आपके लिए फायदा होगा। चलिए अब बात कुंभ राशि की करते हैं। कुंभ राशि वाले, आज के दिन आप गुस्सा और चिड़चिड़ाहट से भरे रहेंगे। आज जातक को कई माध्यम से आर्थिक लाभ मिलेगा, आज बिजनेस में कई प्रमोशन मिलेंगे, आप साथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे, साथी के साथ आपके दायरे से बाहर निकलकर लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है, आपके पास समय की कमी रहेगी, नौकरी में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, आपके पड़ोसी आपके काम आएंगे, दोस्तों के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाने की तैयारी करेंगे, आज सेहतमंद रहेंगे। और अब बात शुभ रंग और मंत्र की करते हैं, जो आपके लिए काफी जरूरी है, और उसके बाद बात करेंगे मीन राशि के बारे में। आपका शुभ रंग आसमानी है और आज माँ दुर्गा की स्तुति और विष्णु भगवान की पूजा करें। अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले, आज का दिन आपसे लोग ईर्ष्या करेंगे, आज सेहत का ध्यान रखें, आज काम और व्यवसाय पर ध्यान दें, नौकरी में लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, आज आपके निजी संबंधों पर लोग उंगली उठाएंगे, माता पिता आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके लव इन फ्रेंड को लोग जानेंगे, आपको शक की बीमारी लग सकती है, आप अपने सेहत पर ध्यान दें और खेल कूद में मस्त रहेंगे।
और अब मीन राशि के शुभ रंग और मंत्र जान लेते हैं। आपका शुभ रंग पीला है और मंत्र, आज आप केले के पेड़ में चना डाल और गुड़ चढ़ाए, आपके लिए फायदा होगा। चलिए बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।